पिक्चर देख लो पहले।
क्या है ये? मंकी है। और ये क्या कर रहा है? पेट में चल रहा है ना? हाँ, तो इसका स्पेलिंग भी देख लेते हैं अभी। क्या है ये? फर्स्ट लेटर। क्या है फर्स्ट लेटर? एम है ना। फर्स्ट लेटर क्या है? यम। हमें एम चाहिए क्या? नहीं। तो ये क्या हुआ? हमारे कुछ काम का नहीं रहा। चलो यम तो नहीं चाहिए हमें, इधर देखते हैं। क्या है फर्स्ट लेटर? ये देखो फर्स्ट लेटर। क्या है फर्स्ट लेटर? ओ। क्या है फर्स्ट लेटर? ओ। वेरी गुड। हमें क्या चाहिए? वो चाहिए है ना, यहाँ पे बोला है ना, मैच हो विद द करेक्ट पिक्चर, है ना? हाँ, तो हमें क्या करना है? ओ से ओ को मैच करना है ना? ओ फॉर क्या होता है? ऑक्स। ओ फॉर मंकी तो नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे ओ है, यहाँ पे यम है, तो ये मैच नहीं होता। लेकिन यहाँ पे ओ है, और यहाँ पे वर्ड ये पिक्चर में भी क्या है? ओ फॉर ऑक्स है ना। देखो यहाँ पे पिक्चर है और यहाँ पे स्पेलिंग भी है। किस क्या है स्पेलिंग? ओ एक्स ऑक्स। तो हमें क्या चाहिए? ओ फॉर ऑक्स। चलो इसको मैच करो। क्या मैच? हाँ, ओ फॉर क्या होता है? ऑक्स होता है। हो गया मैच। वेरी गुड। अभी क्या बोला है? ट्रेस ओ विद द क्रेयॉन। अभी क्या करना है आपको? क्रेयॉन के साथ ये जो कैपिटल ओ एंड स्मॉल ओ दिया है, उसको आपको क्या करना है? ट्रेस करना है। क्या करना है? ट्रेस करना है। चलो करो, आप भी करो, मैं भी करती हूँ। ये हो गया ओ फॉर कैपिटल ऑरेंज, और ये हो गया ओ फॉर स्मॉल ऑरेंज। हो गया। कैपिटल ओ को भी मैंने कलर किया है एंड स्मॉल ओ को भी मैंने कलर कर लिया है। किया है ना? आपने भी किया है। वेरी गुड। तो ये हो गया आज का आपका साउंड ऑफ लेटर ओ कंप्लीट। हो गया है ना? अभी आपको होमवर्क में लिखना है ओ फॉर ऑरेंज। क्या लिखना है होमवर्क में आपको? ओ फॉर ऑरेंज। आपको होमवर्क में ओ फॉर ऑरेंज इसका स्पेलिंग लिखना है। ओके, तो आपको स्मॉल एबीसीडी अभी तक मैंने पढ़ाई नहीं है, तो आपको क्या करना है? कैपिटल लेटर ही लिखना है। ओ आर ए एन जी ई। ओ आर ए एन जी ई ऑरेंज। इसका स्पेलिंग आपको क्या करना है? रीड करना है और राइट भी करना है आपकी कॉपी में। ओके, हाँ, ये क्या करना है आपको होमवर्क में? ओ फॉर ऑरेंज का स्पेलिंग आपको क्या करना है? रीड एंड राइट करना है। करोगे? वेरी गुड। चलो, थैंक यू।